नमस्कार, मैं मयूरी और मैं बनाने जा रही हूँ नॉर्थ इंडिया की एक और डिश उड़द दाल वड़ी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लें। एक कप उड़द दाल 2 से 3 घंटा भीगी हुई, 50 ग्राम मूंग वड़ी, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक प्याज, एक टीस्पून जीरा, एक ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, एक टीस्पून जिंजर बारीक कटा हुआ, एक टेबलस्पून गार्लिक बारीक कटा हुआ, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर लीव्स गार्निश के लिए, 2 टेबलस्पून घी या तेल, 2 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार। पहले घी को मेल्ट करना है। घी मेल्ट होने पर हम इसमें ये मूंग वड़ियाँ डालेंगे, फ्राई करेंगे। वड़ियाँ इस तरह से लाल हो जाएं तो आप एक बोल में निकाल कर इसे साइड में रखें। इसी घी में आप एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, स्प्लटर करें। अब आप प्याज भूनेंगे। प्याज को पिंक होने तक अच्छे से भूनिए। अब इसमें आप टमाटर डालें। दोनों को अच्छे से भुनें। अब बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, बारीक कटा हुआ गार्लिक डालेंगे, अब सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें उबली हुई उड़द की दाल डालेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स करें। 1 कप पानी डालें। दाल को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें फ्राई की हुई मूंग वड़ी डाल दें। टेस्ट के अनुसार नमक डालें। अब इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए पकने दें ताकि वड़ी और दाल दोनों ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। 4 से 5 विसल्स में ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। फिलहाल हम देखें। चलिए इसे हम सर्विंग बोल में डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स से सजा देंगे। तैयार है उड़द दाल वड़ी।